क्या बब्बर शेर को डर नहीं लगता है बीजेपी से? मैं डरूंगा क्यों, डरेगा वो चोर है जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बेच कर खाया। मेरा मिशन वही है, मैं वो काम करूंगा। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना, यही मेरा मिशन है ना। वो तो गिला शिकवा वही करेंगे जो कुर्सी के लिए भूखा भूखे हैं। मैं तो भूखे नहीं हूँ सर। बब्बर शेर, आपको नहीं लगता है कभी आप ये नहीं सोचते हैं कि जिस आवाम के लिए आप आगे आ जाते हैं, सड़कों पर होते हैं, पुलिस आपको घसीट के ले जाती है, लेकिन उसी आवाम ने आपको ठुकरा दिया? वही आज दिन दहाड़े ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्या दिया सरकार ने? बब्बर शेर उसके लिए भूखा है क्या जो जम्मू कश्मीर का नौजवान, उनके लिए मैं भूखा हूँ। इंशाल्लाह नौजवानों की, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान, मैं कोशिश करूंगा उनका इंसाफ दिलाने का, उनको अच्छे प्लेटफॉर्म दिलाने का। लोग क्यों बब्बर शेर कहते हैं? आपने ऐसा क्या कारनामा करके दिखाया है जो लोग आपको बब्बर शेर बोलते हैं? जनाब बब्बर शेर इसलिए बोलते हैं, नेता लोगों को भी बोलते हैं, जब जल से जुलूस करते हैं, आ गया जी आ गया बब्बर शेर आ गया, वो तो उनका नाम आधा घंटा रहते हैं। अच्छा, मेरा वर्ल्ड में आज मेरा बब्बर शेर के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हम अब आने वाले असेंबली इंतखाबात में बहुमत हासिल करेंगे, यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। ओ जनाब बारी अक्सरियत से भाजपा वालों को शिकस्त मिल जाएगा, ये तो शेर ने आज वादा दिया है। पठानकोट से आगे शेर उनको भगाएंगे, जो आजकल पीजी करके डिग्री करके आज हमारे नौजवान घर में बैठे हैं, जिन माँ बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज वही बच्चे पीजी करके डिग्री करके घर में बैठे। 90% नौजवान जम्मू कश्मीर में तबाह हो चुके हैं, खासकर कश्मीर वैली। आज हमारा कश्मीर बेहयाई की तरफ जा रहे, आज हमारा कश्मीर का नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रही है। आज इतना जैसे बंदूक में गोली निकलती है, ऐसे हमारा जम्मू कश्मीर कश्मीर वैली में ड्रग्स ने हमारे नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त कश्मीर वायर पर, और आज हम आपको मुखातिब कराते हैं मोहम्मद शफी शाह उर्फ बब्बर शेर। पहली मर्तबा आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कई सारे मसले मसाइल हैं जिनको लेकर आज बब्बर शेर से सवाल भी पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा मसला जो है जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का फैलाव, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है की रियासतों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और उनके भी कई सारे मसले मसाइल हैं जिनको लेकर आज हम बब्बर शेर से बात करेंगे। ये भी इल्ज़ामात लगेंगे बब्बर शेर पर जो लोग लगा रहे हैं कि बब्बर शेर ने शायद भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि हालिया दिनों आपने देखा होगा बब्बर शेर जो है रविंदर रैना से बखूबी मिलने जाते हैं और बार बार मिलने जाते हैं। किस लिए मिलने जाते हैं ये आज सीधे बब्बर शेर से पूछते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, लोगों के कई सारे इल्ज़ामात हैं आप पर, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के तालिब इल्म जो है बाहर की रियासतों में जाते हैं पढ़ाई हासिल करने के लिए, लेकिन उन स्टूडेंट्स को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्कॉलरशिप स्कीम एक है PMSSS, और इस हवाले से आप भी शायद दिल्ली गए थे, मैंने सुना है कि आपने क्या कुछ किया उन बच्चों के हवाले से। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपके साथ पहली दफ़ा मुलाकात हो गया। बिल्कुल। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब जो बाहर के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो बब्बर शेर के बच्चे हैं। मैंने एक वादा दिया अल्लाह ताला से, वादा तो यह है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान के बच्चे, उनको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, वो टेंशन के फ्री में होना चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली से बहुत ही कॉलेजों से, बाहर के कॉलेजों से मुझे फोन आया, वो रो रहे हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल। कि शफी साहब हमको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो भी सरकार ने बंद किया है। मैंने उन बच्चों को वादा दिया तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, जब तक मैं इंसाफ दिलाऊंगा। रात को मैंने मशवरा किया है, तो दूसरी दिन मैं चला गया था जम्मू, सीधा गया था मैं रविंदर राणा जी के पास। बिल्कुल। तो मैंने रविंदर राणा जी के साथ बात किया, वो भी बच्चों ने मुझे बताया, क्योंकि उन्होंने इसलिए बताया कि सरकार की भाजपा की चीफ, जो भाजपा का चीफ है वो भी सरकार का है। बिल्कुल। मैंने सोच लिया कि अगर उन बच्चों का मसला हल हो जाएगा मुझे मुआवजा देगा ऊपर वाला। बिल्कुल। मैं तो कुर्सी का भूखा नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मैंने सबसे पहले उन्हीं का दामन पकड़ लिया। अगर उन बच्चों का मसला हल हो जाएगा,
मैं किसी को अगर भीख भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। आजकल देखो हमारे नौजवान 90% नौजवान जम्मू कश्मीर में तबाह हो चुके हैं, खासकर कश्मीर वैली में। कैसे तबाह हो चुके हैं? ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ड्रग्स के तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। वो ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आज हमारा कश्मीर बेशर्मी की तरफ जा रही है, आज हमारा कश्मीर बेहयाई की तरफ जा रहे है, आज हमारा कश्मीर का नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रही है। आज इतना जैसे बंदूक में गोली निकलती है, ऐसे हमारा जम्मू कश्मीर कश्मीर वैली में ड्रग्स फैल रही है। कौन सा गुनाह किया हमारे कश्मीर ने? इसका दोष मैं ठहराऊं सरकार को। क्यों? सरकार ने हमारे नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। जो आजकल पीजी करके डिग्री करके आज हमारे नौजवान घर में बैठे हैं, जिन माँ बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज वही बच्चे पीजी करके डिग्री करके घर में बैठे हैं, आज वही बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, शराब। आज दिन दहाड़े ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। क्या दिया सरकार ने? सरकार ने यही काम दिया, एक तो ड्रग्स दिया, दूसरी हर घर में उन्होंने शराब की फैलाने की कोशिश कर ली। मैं इस पे कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ, इसका जिम्मेदार मैं मरकजी सरकार ठहराता हूँ। बिल्कुल, बब्बर शेर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बब्बर शेर बेखौफ बोलते हैं, बब्बर शेर को किसी का डर नहीं है। जैसे हम देखते हैं बाकी जो पॉलिटिशियंस है, अगर हम बाकी पॉलिटिशियंस की बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है चुप्पी साधे हुए हैं। क्या बब्बर शेर को डर नहीं लगता है बीजेपी से? मैं डरूंगा क्यों? डरेगा, वो चोर है जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बेच कर खाया। उन चोर बदमाशों को बब्बर शेर एक एक बात कर रहे, किसकी बात करे? बब्बर शेर सीधे पीछे दौड़ दौड़ कर रहे, जो नौजवान की फिक्र आज किसी का नहीं है। जो आज मुझे बता किस लीडर ने आज नौजवानों को जो ड्रग्स कर रहे हैं, किसने बात उठाई, किसने उस पर काम किया? किसी लीडर ने नहीं किया, सिर्फ जैसे जुलूस में लगे हैं, कुर्सी के पीछे दौड़ रहे। बब्बर शेर ये काम नहीं कर रहे हैं, न तो बब्बर शेर कुर्सी के लिए भूखा है, न तो पैसे के लिए भूखा है। बब्बर शेर उसके लिए भूखा है क्या जो जम्मू कश्मीर का नौजवान, उनके लिए मैं भूखा हूँ। इंशाल्लाह नौजवानों की, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान, मैं कोशिश करूंगा उनका इंसाफ दिलाने का, उनको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बब्बर शेर वाजिया अल्फाज में कहते हैं बिना किसी डर के, बब्बर शेर को किसी का डर नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ के पॉलिटिशियंस, मुझे मुझे जनाब जी बताइए एक बात, आप बताइए मुझे जिंदगी किसने दिया? अल्लाह ताला ने। इन नेता लोगों ने मुझे जिंदगी दिया, मैं क्यों डरूंगा इनको? डरेगा वही जो चोर है। मैं किसी को डरता नहीं, मैं इनका गुलाम नहीं हूँ, मैं सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। उसी का दामन सबसे पहले मैं उनका पकड़ लिया, मैं उसी उन्हीं को डरता हूँ। बिल्कुल, इन चोर बदमाशों को डरता नहीं, इन चोर बदमाशों से कोई डर नहीं लगता। नहीं, क्यों डरूंगा? बब्बर शेर के बारे में आपको बताऊंगा, बब्बर शेर जो है राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के तर्जुमान है, प्रेसिडेंट है, और खुद बातें करते हैं ये, लेकिन इनको किसी का डर नहीं। हालिया दिनों आपने देखा होगा, जब भी कोई सेंसिटिव मामला होता है, जब भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है, तो बब्बर शेर आगे आ जाते हैं। जिस हिसाब से हमने देखा अकेले ये प्रोटेस्ट करते हैं श्रीनगर की गलियों में, आपने देखा होगा बब्बर शेर को शायद किसी का डर नहीं लगता है। लेकिन बाकी जो लीडरान है वो क्यों इन बीजेपी वालों से डरते हैं, आप बताएंगे? वो तो जनाब कुर्सी के भूखे है, पैसे से भूखे है। मैं तो कुर्सी से भूखे नहीं हूँ ना पैसे से, मैं जो काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना है आखिरी घर में, उसके लिए काम कर रहा हूँ। इस दुनिया पे मैं किराया पर हूँ, ये पता नहीं किराए का मकान कब छोड़ना है मुझे, उसके जहाँ में मुझे उम्र गुजारनी है, उस दुनिया के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उस दुनिया के लिए बब्बर शेर काम कर रहे हैं। बब्बर शेर के कहने के मुताबिक कश्मीर का हर एक नौजवान बब्बर शेर के साथ है। इंशाल्लाह हर नौजवानों को मैं बब्बर शेर बनाऊंगा। लेकिन हर एक नौजवान अगर बब्बर शेर के साथ है, 2019 में यहां पर डीडीसी इंतखाबात हुए जिसमें बब्बर शेर ने भी शमूलियत की, लेकिन बब्बर शेर को यहाँ की अवाम ने ठुकराया। बब्बर शेर को यहाँ की अवाम ने क्यों हराया, इस बात का जवाब मुझे कोई गिला नहीं है जनाब, उस पर कोई गिला नहीं है, वो तो लोगों की मर्जी है। बिल्कुल, मैं तो उसका कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, तो वो तो गिला शिकवा वही करेंगे जो कुर्सी के लिए भूखे हैं।
मैं तो भूखे नहीं हूँ सर। बाबर शेर, आपको नहीं लगता है कभी आप ये नहीं सोचते कि जिस आवाम के लिए आप आगे आ जाते हैं, सड़कों पर होते हैं, पुलिस आपको घसीट के ले जाती है, लेकिन उसी आवाम ने आपको ठुकरा दिया, वही आवाम आपको नहीं चाहती है कि आप DDC मेंबर बन जाए, आप कोई और ओहदा आपको मिले, वो आवाम क्यों नहीं चाहती जनाब? ना तो मुझे DDC बनने का शौक है, ना MLA बनने का शौक है, ना मुझे मंत्री बनने का शौक है। मुझे वही शौक है कि जम्मू कश्मीर का गरीब जनता ये ऊपर आना चाहिए। मैं वो राजनीति नहीं कर रहा हूं कि दबाने की कोशिश करूंगा, गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करूंगा, मैं वो राजनीति करूंगा गरीब मजलूमों को मैं कंधे से उठाऊंगा। ये मेरा मिशन वही है, मैं वो काम करूंगा। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना, यही मेरा मिशन है जनाब। ये आपका मिशन है, बिल्कुल आपका मिशन वाजिया है। आपका मिशन क्या है ये हर एक जानता है, कश्मीर का बच्चा बब्बर शेर को जानता है। लेकिन आज एक ऐसा सवाल हम पूछेंगे बब्बर शेर से, बब्बर शेर मोहम्मद शफी शाह किस तरह बब्बर शेर बन गए, क्यों इनको लोग बब्बर शेर कहते हैं, ये मोहम्मद शफी आपसे जानना चाहूंगा। आपको लोग क्यों बब्बर शेर कहते हैं, आपने ऐसा क्या कारनामा करके दिखाया है जो लोग आपको बब्बर शेर बोलते हैं? जनाब बब्बर शेर इसलिए बोलते हैं, नेता लोगों को भी बोलते हैं, जब जल से जुलूस करते हैं, आ गया जी आ गया बब्बर शेर आ गया, वो तो उनका नाम आधा घंटा रहते हैं। अच्छा, मेरा वर्ल्ड में आज मेरा बब्बर शेर के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। ये तो सबसे पहले अल्लाह ताला नाम चुनता है, ये अल्लाह ताला ने लोगों के दिल में नाम पूछाया। अच्छा, इसका नाम बब्बर शेर, क्योंकि बब्बर शेर इसलिए, शेर जब घर से निकलता है गिदर भाग जाता है, ना शेर डरता है, ना शेर झुकता है, ना शेर बिकता है, ना शेर थकता है। ये याद रखना मेरी बात। तो लोगों ने आपको लकब दिया बब्बर शेर, बब्बर शेर। आपने उस लकब को अपनाया, जिस हिसाब से हमने देखा कि बब्बर शेर मोहम्मद शफी किस तरह बन गए, ये इन्होंने कहा। आखिर पर मोहम्मद शफी साहब आपसे जानना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा जो है, अब राहुल गांधी जी शायद कश्मीर पहुंचने वाले हैं, लेकिन कश्मीर के हालातों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह मुल्क भर में इस वक्त कोविड की प्रिपरेशन की जा रही है, सरकार कह रही है कि कोविड का फैलाव बड़ी तेजी से फैल रहा है। जनाब ये जो आजकल सरकार, गुंडा राज सरकार, तानाशाही सरकार, जब भी हमारा राहुल जी पूरे हिंदुस्तान का लीडर कोई भी प्रोग्राम करता है, कोई न कोई ये आफत आ जाती है, आफत आ जाती है। ये कर रहे कौन, ये जो भाजपा के नेता, बड़े नेता बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं, इंशाल्लाह ये जो राहुल जी ने प्रोग्राम बनाया, इस पर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब को, महबूबा मुफ्ती जी को और फारूक साहब को, यूसुफ तारगामी को दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी प्रोग्राम बनाया कि भारत जोड़ो यात्रा में शमूलियत करने का। बिल्कुल, मैं उनको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूं। और जितने भी यहां के नेता लोग हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करना चाहता हूं, वो भी इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं किया है वो तो मोदी जी के दाएं बाजू है, मैं मानूंगा वो तो मोदी जी का दाएं बाजू है अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तमाम लोगों से, चाहे मेरी माएं हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, रफीक हैं, बुजुर्ग हैं, सब इसमें भारत जोड़ो यात्रा में शमूलियत करेंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर में वो राहुल जी हमारा लीडर नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल नक्शा बदल जाएगा, जिस हिसाब से मोहम्मद शफी साहब कह रहे हैं, एक तरफ जहां राहुल गांधी की इतनी तारीफें करते हैं, राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शफी साहब, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मोहम्मद शफी साहब यहां से उठकर जम्मू जाते हैं और वहां पर रविंदर रैना साहब को गले लगाते हैं। क्या याराना है रविंदर रैना साहब के साथ आपका? मुझे जनाब, मैंने बताया, अगर मुझे किसी को भीख भी मांगना पड़ेगा बच्चों के लिए, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसी बात की, कोई मैं ये पॉलिसी नहीं है, ये मैं वो काम करूंगा कि कुर्सी के लिए पैसे के लिए तो वो काम नहीं कर रहा। अगर वो बच्चे टेंशन से बाज आ जाएंगे वो मेरा फर्ज बनता है। क्या बात हुई रविंदर रैना से? रविंदर रैना से मैंने यही बात किया है कि एक तो हमारे कॉलेज में बाहर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप के बारे में, दूसरा कैजुअल लेबर डिलीवर सड़कों पर है वो बात हुई, तीसरा डिमांड हमारे SPO का
जो हमारे नेता लोग लाखों की सूट पहनते हैं, हमारा एसपीओ 5000 तनख्वाह लेते हैं, उनकी बात और जेंट के पुलिस वाले जो बाहर के सीआरपी वालों को सब फैसिलिटी मिलती है, हमारे जेंट के पुलिस वालों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है और 17000 सिकलोन मिलना चाहिए। और पांचवा डिमांड हमारा एटीएम गार्ड, जनाब 5000 में क्या आते हैं आजकल, आता है कुछ? हमारा एटीएम गार्ड 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, उनको 5000 रुपये तनख्वाह ले रहे सैलरी मिले, बिल्कुल, और होम गार्ड वाले बिल्कुल। तो यही मेरा मिशन यही है, जब मेरा ये डिमांड पूरा हो जाएंगे जनाब, मैं चुप कर बैठूंगा घर में, मगर जब तक खासकर हमारे नौजवानों को रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा, तब तक शेर पीछे नहीं हटेंगे, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ेगा। ये भाजपा वालों ये याद रखना आज मेरी बात, जब तक बब्बर शेर के रगों में खून दौड़ेगा, तब तक जम्मू कश्मीर के आम के साथ शाना बशाना खड़ा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जब तक जम्मू कश्मीर के आम को मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट डिमांड मेरा जनाब ये है, मुझे बताओ, एक तरफ सरकार बोल रही है जम्मू कश्मीर हमारा अटोटंग है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गले लगाएंगे, बिल्कुल, क्या यही गले लगा रहे हैं? 5.5 लाख क्विंटल जुलाई में आता है चावल, आज उससे आधा ही कर दिया, 2.5 लाख क्विंटल, ये शर्म की बात है। क्या क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज बोल रहे 2.5 लाख क्विंटल देंगे कश्मीरियों को, ये भी बंद करो, शर्म आना चाहे। क्या क्या नहीं किया भाजपा, उन्होंने क्या नहीं किया हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, उन्होंने सोतोली माँ का सलो कर रहे हैं। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हम अब आने वाले असेंबली इंतखाबात में बहुमत हासिल करेंगे, यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। ओ जनाब, बारी अक्सरियत से भाजपा वालों को शिकस्त मिल जाएगा, ये तो शेर ने आज वादा दिया है, पठानकोट से आगे शेर उनको भगाएंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ, जो आजकल ये इतना जुल्म किसी सरकार ने नहीं किया जितना आज तक भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है, सुतुली मां का शुरू किया है, जितनी भी 5 अगस्त 2019 उन्होंने वादा दिया, जो डाका डाला 5 अगस्त को, उस टाइम उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा दिया, बिल्कुल, वो सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर दिखाना रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं, आप भी जनाब कश्मीर के रहने वाले, मैं इस वक्त बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हूँ, आ जा मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा रोडों की हालात, आप भी बारामूला का डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, बिल्कुल, ये सड़के पानी बिजली हर कोई देता है, मगर इस सरकार ने ये भी नहीं दिया है। आज तक मुझे बताओ नौजवानों का क्या दिया, नौजवान के हाथ में आज ड्रग्स, आज नौजवानों के हाथ में शराब, आज हमारे नौजवानों के हाथ में गांजा। अगर सरकार इस पे काम पूरी जोर से करेंगे, 24 घंटे में यहाँ कश्मीर में खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल, ये ड्रग्स शराब जितनी भी यहाँ शराब दुकान ड्रग्स चल रहा है, ये एलजी मनोज सिन्हा साहब से मैं एक बार फिर आज रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी तौर पर इस पर पाबंदी लगना चाहे, अगर नहीं, अगर मेरा जान भी चलेंगे, मैं देख रहा हूं कुछ दिन तक अगर इस पर कोई बैन लग गया तो ठीक है, अगर नहीं मैं खुद वो शराब दुकान बंद करवाऊंगा। किस तरह बंद करवाएंगे? मैं जाऊंगा खुद ताला लगाऊंगा, मैं देखूंगा कौन चैलेंज करेंगे। मैं सबसे पहले दरखास्त रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से, मैं देखा हूँ, क्योंकि हमारा नौजवान नस्ल खत्म हो चुका है, हमारा नौजवान तबाह हो चुका है, बिल्कुल, सबसे पहले ये कश्मीर कश्मीर पोटेस वाना यथ सान कश्मीर परिवार यथ बनाऊक सो सरोवर जनाब, न मारे पाकिस्तान न मारे हिंदुस्तान, अस मारो वनकेनस आकेस, ये मेरा बात बिल्कुल, ये याद रखना, हालिया दिनों हो गया, जो हालिया दिनों हो गया, ना तो पाकिस्तान मारेगा ना तो हिंदुस्तान मारेगा, हमको कौन मारेंगे, हम एक दूसरे को आज मारेंगे, बिल्कुल, बाप माँ को मार रहा है, बेटी माँ को मार रही है, वही हालत पूछती को मार रहा है, बिल्कुल, इस तरह के इंसिडेंट कई और हालिया मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से पूरी तौर रिक्वेस्ट करता हूँ,
जो 5.5 लाख क्विंटल यहाँ चावल आता है, बिल्कुल वही लेना चाहिए। इसको कोई कटौती नहीं होना चाहिए। जो आजकल नया ऑर्डर आपने पास किया 2.5 लाख क्विंटल वो भेजेंगे, इस पे कोई कश्मीरी नहीं बच जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त करता हूँ मरकजी सरकार से और एलजी साहब से, वही 5.5 लाख क्विंटल मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कश्मीरी लोग ज्यादातर चावल खाते हैं। बिल्कुल, यहाँ रोटी नहीं खाते हैं, यहाँ आटे की जरूरत नहीं है, हमारा चावल की जरूरत है। एक आदमी को 10 किलो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए किसी भी सूरत पर, इस पर कोई कटौती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बब्बर शेर हमारे साथ और गुफ्तगु आपने, अगर और भी कुछ कहना चाहते। अगर 2.5 लाख क्विंटल उन्होंने बताया, फिर यहाँ राशन घाटों को सबों को बंद करना चाहिए। हम दुकान पर लेंगे क्या कर रहे हैं, हमको 5.5 लाख क्विंटल मिलना चाहिए। एलजी साहब, आज मेरा फरियाद आपके चैनल के माध्यम से ये सुनना चाहे, हमको 5.5 लाख क्विंटल मिलना चाहिए। अगर नहीं, शेर अगर जम्मू कश्मीर के आम के लिए मुझे जान भी देना पड़ेगा, वो जान देने के लिए तैयार है, हम जान की कोई परवाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बब्बर शेर, जिन्होंने कई सारी बातें कही। बब्बर शेर ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का फैलाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस ड्रग्स को रोकने के लिए वो तमाम तर दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनती है और आने वाला वक्त ऐसा होगा जब यहाँ पर एक दूसरे को लोग मारेंगे, लिहाजा इस चीज़ पर काबू पाने की ज़रूरत है। और भी कई सारी बातों का खुलासा किया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।